हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक किंग फैक्ट्स। सो गाइस, जैसा कि कल मैंने आपको पेंट के फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में बताया था गाइस, उस ऑप्शंस में बहुत सारे फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस थे, उस कारण से मैं सभी डिटेल्स आपको होम मेन्यू और व्यू की नहीं बता पाया। तो गाइस, आज मैं आपको होम और व्यू के बारे में समझाऊंगा कि इनमें कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से टूल्स को करके बहुत सी अट्रैक्टिव पेंटिंग को बना सकते हैं और आप इस पेंटिंग के जरिए बहुत से पैसे भी कमा सकते हैं और इनसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं पूरे का पूरा बताने वाला हूँ। तो गाइस, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने से पहले, और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक किंग फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारे और सभी कंप्यूटर संबंधित वीडियोस पहुँच सके, आप भी कंप्यूटर की तरह स्पीड से काम करने की गति को तेज कर सके। तो हम लैपटॉप स्क्रीन पर, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ कलाकृति कर ली थी पहले। तो गाइस, इसको मैं रबर इरेजर से मिटा लेता हूँ और यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज करवा कर दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पूरा सफा कर दिया इरेजर से। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना आता है, तभी यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन को आप बना सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जैसे भी कुछ कलाकृति की गई हो तो उसको हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर पहले तो हमको सिलेक्शन ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने एरिया को हमको कट करना होता है। तो गाइस, यहाँ से हम सिंपल यहाँ पर कंट्रोल एक्स या तो फिर स्केच वाले बटन से कट कर सकते हैं और यहाँ से इतना एरिया हटा सकते हैं। तो गाइस, इस एरिया को हटाने के लिए हमको सबसे पहला ऑप्शन पेस्ट की ज़रूरत होती है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो गाइस, यहाँ से कंट्रोल वी करके भी हम, और या तो इसे क्लिक करके अपना जो कट एरिया था उसको हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर कैची कॉपी और पेस्टिंग का चिन्ह हाईलाइट हो गया है। गाइस, इतने ऑप्शंस को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑप्शंस का यूज किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर हम सिलेक्शन लगाते से यहाँ से हम सेकेंड ऑप्शन कट को यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन करके हम कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और पेस्ट का ऑप्शन हम एक ही चीज़ को बार बार लेने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पर बार बार पेस्ट कर रहे हैं तो वह पेस्ट होकर यहाँ पर आपको मिल जा रही है। तो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन, जहाँ पर अलग अलग प्रकार से आप अपने ड्राइंग पेंटिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं और कहाँ से कितना एरिया क्रॉप और कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं और बार बार पेस्ट करना चाहते हैं, ताकि आपकी कलाकृति उन्हीं चीज़ों से बार बार बनती जाए। तो गाइस, नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉप एरिया। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सिलेक्शन एरिया के अनुसार आप इतने एरिया को क्रॉप कर सकते हैं और अपनी पेंटिंग का हिस्सा उतना ही काट सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इतना सिलेक्शन एरिया सिलेक्ट कर लिया और इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। गाइस, ये मेरी पेंटिंग का एक टुकड़ा हो जाएगा और इसी से मैं अपना जो भी पेंटिंग का प्रदर्शन है वो कर सकूँगा। तो गाइस, नेक्स्ट है यहाँ पर रिसाइज। क्या गाइस, आप अपने इतने एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप परसेंट पिक्सल के रूप में कर सकते हैं। तो मैं आपको पिक्सल के रूप में करके बताता हूँ। इसका 177 है तो यहाँ पर मैं 300 कर देता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बढ़ जाएगा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो गाइस, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। गाइस, नेक्स्ट है यहाँ पर इस एरिया को हमको वर्टिकल चाहिए, ओरिजेंटल चाहिए या तो फिर किसी भी एरिया में आपको रोटेट करना होता है। तो गाइस, यहाँ पर रोटेट के लिए इन सभी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एरो वगैरह बने हैं, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट है टूल्स। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ड्राइंग के लिए एक पेंसिल दी है, यहाँ इसका साइज कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं पेंसिल। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल विद कलर, यहाँ पर कलरिंग के लिए यहाँ से दिया गया है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। कलर यहाँ से अलग अलग चूज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर है नेक्स्ट है टैक्स, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, और इसका कलरिंग भी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मेरा नाम लिख सकता हूँ मैं, और इसकी जो भी आप फॉन्ट साइज रखना चाहते हैं या तो फिर आप उसके अनुसार कौन से फॉन्ट में आप टाइप करना चाहते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम हिंदी में भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। तो गाइस, ऐसे
टेक्स रूप में आप अपने वीडियोस में दिखा सकते हैं और अपनी पेंटिंग को बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर है इरेजर, मैं यहाँ से इरेजर से अपना पेंटिंग को इरेज कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। तो गाइस इसी प्रकार से अपनी कलाकृति में कुछ मिठाने के लिए यहाँ से इरेजर का ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। गाइस जिन लोगों को भी यह वीडियोस बोरिंग से हो रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके काम यहाँ ज़रूर आ जाए। यहाँ पर ड्रॉपर किसी भी कलरिंग एरिया को चूज़ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इस ड्रॉपर ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नीफायर। मैग्नीफायर किसी भी एरिया को जूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे भी आप देख सकते हैं किसी भी छोटे अक्षर को दूरबीन या तो फिर मैग्नीफायर से जूम कर कर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट ब्रश। तो गाइस यहाँ पर पेंटिंग में बहुत प्रकार के ब्रश का यूज़ किया जाता है, उनके कलरिंग का यूज़ किया जाता है। तो कलर यहाँ से हम यूज कर सकते हैं और उनका रिसाइज हम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन से प्रकार का ब्रश चाहिए। हम देख सकते हैं बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रश यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास शेप, बहुत सारे शेप जो कि आपको रेडीमेड्स मिल जाते हैं और इनका कलरिंग आप अपने अपनी इच्छा अनुसार यूज करके अपनी पेंटिंग को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। गाइस यहाँ पर सेकंड है यहाँ पर इनके आउटलाइन किन किन रूप में आप बना सकते हैं, उसका कलर्स और उसका साइज कलरिंग क्या हो सकता है, यह आपको आउटलाइन और फिल विद कलर में करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर हम किसी भी पेंसिल को और किसी भी शेप्स को बनाना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पर उसका एरिया कितना मोटा और कितना पतला हो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा कि इसकी साइज लेंथ कम ज़्यादा हो रही है। तो गाइस इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कलरिंग। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट कलर, सेकंड कलर और यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं। तो गाइस यहाँ से अपने कलरिंग को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है और आपको पसंद ना आए कलर तो इनमें आप देख सकते हैं और अपने कलर को चूज़ कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट यहाँ पर विथ एडिट विथ पेंट 3D। गाइस आपको यह अभी पेंटिंग अच्छी ना लगी हो अपने तो इसको आप 3D मोशन में भी बना सकते हैं। 3D मोशन में बनाने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते से आप 3D पेंटिंग में चले जाएंगे और अपने पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने होम मेन्यू के सभी ऑप्शंस को बता दिए गए हो। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास व्यू ऑप्शंस। यहाँ पर कुछ कम ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम यूज में लाया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर जूम इन। किसी भी पेंटिंग को हमको जूम करके देखना होता है कि यह परफेक्ट है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर जूम इन करना आवश्यक होता है। तो गाइस अपनी कलाकृति अच्छी बन गई हो तो उसको जूम आउट भी करना ज़रूरी होता है और अपनी पेंटिंग को पूरा देखने के लिए आप यहाँ पर जूम आउट कर सकते हैं आवश्यकतानुसार। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 100% में अपनी पेंटिंग को रखना होता है और आप 100% पर अपनी पेंटिंग को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रूलर। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रूलर लग जाता है, ये रूलर एरिया होता है। दो तरफ स्केल्स के रूप में यहाँ पर रूलर बने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रिड। ग्रिड के माध्यम से अपनी पेंटिंग को पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर अपनी पेंटिंग को बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटस बार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटस बार यहाँ से हट जाता है। गाइस यहाँ पर आपको उसका साइज और यहाँ पर कितने MB का है, कितने GB का है वह बता देता है। तो यहाँ पर कुछ इतना एरिया जो होता है स्टेटस बार कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल स्क्रीन। सो गाइस आप अपने डिस्प्ले पर फुल स्क्रीन करके इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन पर इस तरीके से अपनी पेंटिंग को बनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर फुल स्क्रीन के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। थंबनेल के रूप में आप अपने जो भी पेंटिंग्स बनाए हैं उसे शो करवा सकते हैं, हाइड करवा सकते हैं और थंबनेल के रूप में अपने विंडोज़ पर शो करवा सकते हैं जैसे कि आपका पॉपअप मेनू में दिया गया है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको होम और व्यू मेन्यू के बारे में आज समझा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस कल ही समझा दिए थे। तो गाइस और जिन लोगों को भी इनके सभी ऑप्शंस के छोटे से छोटे पार्ट्स को बारीकी से समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और
इन सभी टूल्स और इन सभी ऑप्शंस के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी डिटेल्स एक वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो गाइस हम चलते हैं कैमरे की ओर। तो गाइस जैसा कि आपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको होम और व्यू मेन्यू के सभी टूल्स और सभी ऑप्शंस बारे में एक एक जानकारी दे दी है। और जिन लोगों को भी इन ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा जानकारी है वो मुझे कमेंट्स में किस ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, और उसी ऑप्शंस पर मैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा समझा कर बता दूंगा कि इसका किस किस प्रकार से कितने ज़्यादा गहराई से कर सकते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको दे दूंगा। तो गाइस हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और आपकी समस्या ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दें। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ब्लैक किंग फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑल नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे वीडियोज़ डेली मिलते रहे और आप भी कंप्यूटर पर ऐसे काम कर सके और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको और ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बताते रहेंगे। तो गाइस तब तक के लिए हम आपको बाय बाय बोलना चाहते हैं। तो गाइस मिलते हैं।